नमस्कार दोस्तों, मैं तेजराम सिविल कॉन्ट्रैक्टर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए एक टॉपिक लेके आया हूं कि पीडब्ल्यूडी में सरकारी लाइसेंस कैसे बनवाएं। दोस्तों, मैं आपको इन बातों को इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि मैं खुद एक पीडब्ल्यूडी में सरकारी कॉन्ट्रैक्टर हूँ और मैं इन चीज़ों को इसलिए आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने इस लाइसेंस के लिए 3 साल तक चक्कर काटे थे, लेकिन किसी ने मुझे इसके लिए कोई गाइड नहीं किया, क्योंकि कोई भी आदमी बताने के लिए राजी नहीं होता कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कहाँ जाके लाइसेंस बनेगा, कहाँ नहीं बनेगा, पता नहीं क्यों। इसलिए मुझे लगा कि यार मैं इतना परेशान हुआ हूँ, इतने परेशानी किसी और भाई को ना हो जो पीडब्ल्यूडी में सरकारी लाइसेंस बनवाना चाहता हो। तो आज हम बात करते हैं कि पीडब्ल्यूडी का लाइसेंस के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए और कैसे इसका फॉर्म भरा जाता है, उसके लिए क्या क्या चाहिए होता है, ये बातें करेंगे आप। चलो चालू करते हैं। आपको मैं डॉक्यूमेंट्स बता देता हूँ कि करीब इसके अंदर 10 डॉक्यूमेंट लगते हैं। मैं आपको सुना देता हूँ। आधार कार्ड, 2 फोटो, पैन कार्ड, आपका जीएसटी नंबर, बैंक स्टेटमेंट 3 महीने की, एक स्टैम्प पेपर लगेगा 10 रुपये का, आपका बिजली का बिल, एक आपका करंट अकाउंट नंबर जिसमें अकाउंट बैंक में करंट अकाउंट का खाता खुलवाना पड़ेगा आपको, और प्रॉपर्टी के पेपर लगेंगे आपके या आपके माँ बाप के भी पेपर हो तो वो भी लग सकते हैं, जिसके नाम से पेपर हो, जहाँ आप ऑफिस खोलेंगे, जिस ऑफिस को आप ऑफिस यूज में घर से करना चाहो तो घर से कर सकते हो, उसके लिए आपको एड्रेस प्रूफ के लिए ये पेपर आपको देने होते हैं, और इसके अंदर आपको ओरिजिनल पेपर देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उसको आप फोटोकॉपी को भी कैंसिल काट करके दे सकते हैं, और 3 साल की आपकी ITR फाइल जो करते हैं उसके पेपर देने होते हैं। और दोस्तों, इन पेपरों को सबको लेके आपको ऑफिस में जाना होता है। अब दोस्तों, इन चीज़ों को लेकर के आप PWD के ऑफिस में जाइए, हेड ऑफिस में, और वहाँ पे एक क्लर्क होते हैं वहाँ पे, जो आपको स्पेशल इसी काम के लिए होते हैं। आप वहाँ जाके पूछ लीजिएगा किसी भी ऑफिस में स्टाफ से, किसी से, तो वो आपको गाइड कर देंगे कि फला आदमी यहाँ बैठता है और वो ये काम करता है। आगे की सारी प्रक्रिया, फॉर्म भरने की, वो सारी चीज़ें आपको वो बता देंगे। और दोस्तों, आगे इस प्रोसेस को होने के बाद में फिर आपको चाहिए एक डिजिटल सिग्नेचर बनता है। वो डिजिटल सिग्नेचर आपको इससे लिंक करना होता है। वो डिजिटल सिग्नेचर बनाने वाला आपका
इससे कर देगा। मतलब टेंडर भरोगे तो टेंडर भरते समय आपको ये डिजिटल सिग्नेचर चाहिए होता है, तभी जाके आपका टेंडर फिल किया जाता है। और दोस्तों मैं इन चीज़ों को, मैं खुद एक PWD कॉन्ट्रैक्टर होने के नाते आपको शेयर कर रहा हूँ। और आगे एक छोटी छोटी जानकारी आपके लिए वीडियो में बताता रहूँगा। और बाकी अगर किसी भाई को मेरी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो मेरे कमेंट करके वो मेरे से पूछ सकते हैं। आगे मैं PWD के बारे में और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के बारे में मेरे अनुभव भी मैं शेयर करूँगा। और हर चीज़ों के बारे में जो भी मेरे से कोई कमेंट करेगा मैं उसी के बारे में उसका जवाब देता रहूँगा। अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल तेजराम सिविल कॉन्ट्रैक्टर को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो मिल सके।